शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार करने वाले मुंबई एनसीबी के पूर्व चीफ समीर वानखेड़े के घर पे आज सीबीआई ने छापा मारा है। जांच एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि समीर वानखेड़े ने क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को न फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस पे आगे खुलासा करेंगे दोस्तों, क्या है मामला। समीर वानखेड़े के एक साथी ने इस मामले में 50 लाख रुपए लिए थे। इसी मामले में सीबीआई ने समीर वानखेड़े सहित 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब एजेंसी ने इनके मुंबई, दिल्ली, रांची और कानपुर में कुल 29 ठिकानों पर छापेमारी की। समीर वानखेड़े एनसीबी मुंबई के पूर्व चीफ रह चुके हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत से लेकर के शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान तक बॉलीवुड की कई हस्तियों के केस वानखेड़े जी ने लड़ा है और उनके दौरान ये सारे केस सामने आए हैं। इस दौरान वानखेड़े जी पर कुछ गंभीर आरोप भी लगे। जनवरी 2022 में मुंबई के एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े का तबादला राजस्व खुफिया निदेशालय DRI कर दिया गया था। इसके बाद मई 2022 में समीर वानखेड़े का तबादला DRI से चेन्नई DG टैक्सपेयर सर्विस निदेशालय में कर दिया गया। सच के साथ खड़े रहने वाले समीर वानखेड़े पर मुसीबतों का पहाड़ अभी टूट रहा है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या जो सच्चाई के साथ खड़ा रहेगा उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा? क्या उसे कानूनी शिकंजे में फंसा करके उसके घर पे छापेमारी की जाएगी? समीर वानखेड़े के ऊपर नवाब मलिक ने भी बहुत सारे आरोप लगाए थे दोस्तों, लेकिन वो सारे आरोप झूठे साबित हुए। लेकिन आज इतने दिन बाद अचानक समीर वानखेड़े के ऊपर सीबीआई का शिकंजा कसना, यह अपने आप में बहुत ही अहम बात हो जाता है। आखिर समीर वानखेड़े पर क्या खुलासा होता है यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से समीर वानखेड़े घटिया राजनीति के शिकार हुए थे, बहुत कोशिशों के बाद इन तमाम पचड़ों से वह बाहर निकल सके थे, लेकिन उनको फिर से फंसाने की कोशिश की जा रही है।